कॉम मैं हूं आपके साथ दीक्षा भारप्रिया। दिल्ली में सामने आया हत्या का मामला, एक आदमी ने की पत्नी और बच्चों की हत्या। एक झटके में खत्म कर दिया अपना पूरा परिवार। दिल्ली में एक सनसनीखेज हत्याकांड का मामला सामने आया है। यहाँ के मोहसिन इलाके में एक आदमी ने अपनी पत्नी और तीन बच्चों की हत्या कर दी। पेशे से शिक्षक आरोपी ने चाकुओं से गोदकर अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि हत्या के बाद आरोपी लोगों की जान लेने के बाद भी रात भर शवों के पास बैठा रहा। इस पूरे मामले में जो सच सामने आ रहा है वो यही है कि आरोपी ने अपनी पत्नी की चाकुओं से गोदकर हत्या की है और उसके बाद उसने अपने मासूम बच्चों की गला घोटकर हत्या कर दी। और आश्चर्य करने वाली बात यह है कि हत्या करने के बाद आरोपी रात भर शवों के पास बैठा था। हत्या करने वाले शख्स ने एक नोट लिखा है जिसमें उसने कबूल किया है कि उसने चार लोगों की हत्या की है। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला शख्स टीचर है और बच्चों को ट्यूशन देता था। ये बताया जा रहा है कि हत्या करने वाला शख्स जिसका नाम उपेंद्र है डिप्रेशन का शिकार है। शायद इसी के चलते उसने अपने घर के चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें एक लड़का, दो लड़की और पत्नी शामिल है। हत्या का खुलासा तब हुआ जब उपेंद्र की सास ने यह देखा कि वो दरवाजा नहीं खोल रहा है। इसके बाद पड़ोसियों को सूचना दी और डायल 100 को मौके पर बुलाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोला तो देखा कि आरोपी पत्नी और तीन बच्चे जिनकी उम्र महज 2 महीने 5 साल और 6 साल है उनके शव के पास बैठा हुआ है। आरोपी हत्या करना कबूल कर चुका है लेकिन उसने अभी तक हत्या की वजह नहीं बताई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।